समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज प्रत्याशी आरके चौधरी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान स्वराज संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से मौजूदा हालात पर बात की है। समाजवादी पार्टी में नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट। उसके पहले उनके जो समर्थक है, सभी समर्थक यहाँ पे देखे नारेबाजी कर रहे हैं। मोहनलालगंज से जो प्रत्याशी आर के चौधरी है और लखनऊ से गजराज मेहरोत्रा है, दोनों लोग नामांकन। यहाँ पे कुछ महिलाएं समर्थक के बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है कालिंदी भारद्वाज, प्रदेश सचिव महिला सभा के जिला मऊ की रहने वाली हूँ। और हम लोग जो है आरके चौधरी जी के नामांकन में उपस्थित हुए हैं और पूरे बम्पर रोड से। क्या लग रहा है कि कई बार से वो लोग जीत रहे हैं, कुछ चुनौती दे पाएंगे आप लोग? ये देखिए, इस बार जो है उनका पूरा सुपड़ा साफ है, इस बार सुपड़ा साफ है। बेरोजगारी पर वोट दिया जाएगा, विकास पर वोट दिया जाएगा। और इस बार जो सुपड़ा साफ है बीजेपी का, बीजेपी हार रही है, बलात्कारियों को टिकट दे रही है। बलात्कारी टिकट पा रहा है तो विदेश भाग रहा है। रमन्ना जी को सुने होंगे, विदेश जितना तानाशाही रवैया अपना रखा है। बिल्कुल हम लोग हटाएंगे कि कभी मंगल सूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे इसका मतलब धर्म नहीं चाहिए, धर्म को बांटने की नीति करते रहते हैं। ये बात है, बताइए जीएसटी किसने लगाई, सोना किसने बड़ा किया, लॉकडाउन किसने किया है, कोविड में जो वैक्सीन लगी वो घोटाला किसने किया है? ये सरकार निकम्मी है, इसको जड़ से उखाड़ना है। ये हुजूम देखिए आप, ये हुजूम बता रहा है कि ये सरकार को क्या फेंका। जब राजनाथ सिंह जी आए थे कौशल किशोर, ऐसे ही हुजूम उनमें भी तो उमड़ा था। हुजूम उमड़ा, वो बुलाया हुजूम था, ये खुद आई है सरकार, ये जनता खुद अपने मन से आई है, क्योंकि बदलाव जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र की महिलाओं की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब मणिपुर की घटना हो रही थी, मणिपुर में जो औरत को नग्न घुमाया जा रहा था, पुलवामा की घटना हुई, कई भाई शहीद हुए, उनकी पत्नियों का मंगल सूत्र क्यों नहीं तब ध्यान आया? अब मंगल सूत्र की बात करते हैं आप, सोना तो आपने वैसे ही हमारा गिरवी रखवा दिया 10 साल के अंदर कांग्रेस के राज में, कभी हमारा सोना। और क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारे पास बहुत सा है, जो मुद्दा है आप देख रहे हैं, महिला कहाँ सुरक्षित है? महिला हमेशा हमेशा टारगेट पे रहती है। ये हिंदू मुस्लिम की नीति क्या करते हैं, ये हमेशा महंगाई, किसान, नौजवान, बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए पेपर होने सभी लोग त्रस्त हैं, बिल्कुल त्रस्त हैं। आप हम सब हरा ले जाएंगे कौशल किशोर को, आरके चौधरी और यहाँ पे राना, ये हारने वाली सरकार है, ये हार रही है। बेईमानी से जीतती बात अलग है, लेकिन पब्लिक इन्हें प्यार नहीं करती, जहाँ भी जाते जूता चप्पल लात खाते हैं, लात खा के आते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नामांकन करने के लिए जो प्रत्याशी हैं अंदर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, और यहाँ पे एक भीड़ लगी हुई है, लोगों की समर्थकों की भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे कई तमाम अलग अलग विंग्स के लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रॉडली दिखाइए यहाँ पे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक भी झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। और जबकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस के साथ यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रही है, और ये जो सीट है वो इस सीट से समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। देखिए एक दो झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात कर लीजिए थोड़ा क्या लग नहीं रहा है कांग्रेस के, और भी सब समर्थक भी हमारे साथ में मौजूद है, सारे सभी समर्थक आए, कांग्रेस के सभी समर्थक क्षेत्रीय और लखनऊ से भी जितने भी आए हुए हैं नेता भी आए, किसान यूनियन के भी साथ में है, हमारे आम आदमी के है, सब समाजवादी सभी साथी हैं, पूरे क्षेत्र के सभी साथी हमारे साथ। क्या कह रहे हैं आप? जिलाध्यक्ष भी साथ में थे अभी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी साथ में थे अभी। अच्छा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के साथ में है। दिखाइए जरा यहाँ पे कुछ तस्वीरें चारों तरफ दिखाइए, दिखाई देते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे तमाम लोग जो समर्थक हैं वो लोग आए हुए हैं। हालांकि गाय बगाए कुछ तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की भी दिखाई दे रही है, कांग्रेस का झंडा भी दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी का तो झंडा दिखाई दे रहा है। इसके इधर अगर देखेंगे तो एक दो झंडे जो है आम आदमी पार्टी के भी दिखाई देंगे। सर किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? लेकिन एक सवाल हम आपसे करेंगे, पहली बार आजादी के बाद पहली बार है कि यहाँ की ईवीएम पे हाथ का पंजा नहीं दिखाई देगा। पहली बार जो है यहाँ पे नेहरू और गांधी जी मिले थे, बड़ा ऐतिहासिक सीट रहा है, क्या ये लग रहा है कि एक ऐतिहासिक चूक रही है? सीट कांग्रेस के पास होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कभी यहाँ से जीत हासिल नहीं की।
नहीं नहीं, मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी पहले जीती है, कांग्रेस भी लखनऊ थोड़ी है, मोहनलालगंज का नामांकन है, पहले आप जान लो। आप जान नहीं पाए, और जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही, बाराबंकी लड़ रही, सीतापुर लड़ रही, कानपुर लड़ रही, वहाँ समाजवादी नहीं लड़ रही। तो हमारा एक इंडिया गठबंधन है, उस धर्म को निभाते हुए जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही। समर्थन मिल रहा है पूरा भयंकर, एक तरफा है कि वहाँ पे मोहनलालगंज, हाँ एक तरफा चुनाव है मोहनलालगंज का, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को हरा ले जाएंगे इस बार, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव। हमारे जैसे जैसे नजदीक आएगा समय, चुनाव की मार्जिन बढ़ेगी। इटौंजा क्षेत्र में हमारे साथ ऐसी बड़ी गलती की है, हमारी बहुत बेटिया रोड पे जाने के दुश्वार है। क्या हो गया? हुआ यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुमंदित बसें कराई, आज उन्होंने स्टेशन और बस स्टाफ नहीं बनवा पाए कौशल किशोर, बल्कि संसद में है, केंद्र में है, वो उनकी सरकार है, जनसत्ता है, लेकिन तब भी वो नहीं बना पाए सांसद निधि का नहीं खर्च कर पाए। सांसद निधि का जो 8 करोड़ रुपया वो नहीं खर्च कर पाए, घर में सोते रहे, प्रस्तावित नहीं कर पाए कि हमको कौन सी रोड भी जीतते रहे, नहीं दो बार जीते हैं। जनता जो है कि एक मोदी लहर, हमेशा मोदी लहर थोड़े चलेगा, जनता विकास के नाम पे इस बार। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, कई मुद्दे गिना रहे हैं, वहाँ के लोकल समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि उनके जो फंड होता है, सांसद निधि होता है, यहाँ तक वो सब जो है वापस लौट गया है, यहाँ विकास नहीं हुई, कई विकास प्रोजेक्ट जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था उसको भी कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।